केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने लोकसभा क्षेत्र हमीरपुर में राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। टूर्नामेंट में राज्य के कई हिस्सों से आए खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने लोकसभा क्षेत्र हमीरपुर में राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। टूर्नामेंट में राज्य के कई हिस्सों से आए खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एशियाई खेलों में भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की तारीफ की। एशियन गेम्स में आज तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा। 107 मेडल जीतकर जो हमने कहा था अब की बार 100 पार, तो भारत के खिलाड़ियों ने 100 पार भी किया। पहले सुनते थे क्रिकेट में सेंचुरी लगती है, अब तो एशियन गेम में भी सेंचुरी लगाने का काम हुआ। इससे खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ा तो देश भर के लोगों में एक नई ऊर्जा और देश के जो युवा और उभरते खिलाड़ी हैं उनको एक नई प्रेरणा मिली है। और इससे आने वाले समय में हम देखेंगे खेलों में और निवेश भी होगा। अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को बधाई देते हुए कहा कि उनके प्रयासों से इस बार विश्व कप के मैच हिमाचल प्रदेश में भी हो रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ को मैं बधाई देता हूँ कि जिनके प्रयासों के कारण हिमाचल प्रदेश में वर्ल्ड कप के मैचेस आए, और आशा करता हूं अच्छा आयोजन करेंगे और जो विश्व के खिलाड़ी यहां पर आएंगे वो एक यादगार पल यहां से लेकर जाएंगे और हिमाचल के कोने कोने से लोग भी आए, क्योंकि देश भर के लोग हिमाचल में मैच देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच भी है सर। मैं भारतीय टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने यह भी बताया कि हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर इंडोर स्टेडियम, एथलेटिक ट्रैक, हॉकी टर्फ आदि को मंजूरी मिल गई है। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने कई विश्व रिकॉर्ड तोड़े हैं और नए रिकॉर्ड भी बनाए हैं।